बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है देखा हाँ तो, जी हाँ मतलब जी घोटने बिल्कुल वाला साल घोटिया होंगे ना, मक्की की रोटी बनती रहती है साथ में लगता रहता है देसी घी ऊपर। अकल देखने तो बड़ी रली मिली लग रही है, कमाल दी होगी जी अपनी प्लेट रेडी। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। तुसी मक्की की रोटी बना रहे हो? हाँ जी हाँ जी। तो की होंगे जी अपने को? मक्की की रोटी तो साग तो कढ़ी होंगी है, राइस होंगे है, तो राजमा होंगे है। दिखाओगे अंकल एक बार? हाँ जी हाँ जी। आ देखो जी साग है। पहले आ गए जी अपना साग। अंकल ये तो बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है देखने तो, मतलब जिंदा घोटने वाला घोटिया होंगे ना, सादे तरीके हारे से ही असं बुलाने। अच्छा जी। अंकल खुशबू ना लगता कि ये पाथियां ते बनता पे? हाँ जी हाँ जी पाथियां ते। अच्छा इस थले है जी पाथियां ते, इस हौली हौली पकता रहता अपना बिल्कुल ऑथेंटिक वे की तरह। अंदर है जी पाथियां ते उते ही पकता है? हाँ जी हाँ जी। इत्थे ही बनाने अंकल लिया के? नहीं नहीं पहला घर बनाने फिर उरे मतलब ओदे वास्ते। अच्छा अच्छा। आ जी प्लेट एक लग चुकी है ते इदां दी प्लेट हुंदी है। इह कड़ी आ गई जी। सब तो पहले अपनी कड़ी। अंकल इहदा कलर जी देखण च बहुत सोहणी लग रही है, च हुंदा की है जी? पकौड़े हुंदे आ, जीरा जूरा वधिया मसाले दा। किस चीज़ दे पकौड़े हुंदे अंकल? बेसन दे। बेसन के पकौड़े होंगे तो तुम बनाने हो जी? हाँ जी हाँ जी। ये राजमा ये आ गई जी अपनी स्पेशल चित्रा राजमा। अकल देखने तो बड़ी रली मिली लग रही है, कमाल दी नाले खुशबू भी बहुत वधिया। आ गए राइस आ गए जी। हाँ जी ये आ गए जी अपने राइस। अंकल बासमती राइस होंगे ने जी? हाँ जी बासमती राइस होंगे ने। अंकल कड़ी देख के इदा लग रहा है जिदा लस्सी की कड़ी होंगी है? हाँ जी लस्सी की, घर की लस्सी कड़ी होंगी है। घर की लस्सी की ही कड़ी होंगी है। नाल हैगी जी इतने मक्की की रोटी, सरों का साग, कड़ी ते राज। तुहाडा नाम की सीगा? मेरा नाम चरणजीत सिंह, असी जट साहब का तो है। तो जट साहब के नाम तो शुरू किया हो कस्टमर जाते जाते रहते हैं। देसी घी लगा रहे हो जी आप? हाँ जी। मक्की की रोटी बनती रहती है साथ में लगता रहता है देसी घी ऊपर। हमारे लिए भी एक प्लेट लगा के दिखा दो जी। हाँ जी हाँ जी। तो अंकल का बिल्कुल क्लीन एंड नीट सेटअप है कार में, और अंकल के पास तीन चार आइटम ही होती है और बिल्कुल परफेक्ट कर रखी है अंकल ने, बिल्कुल ऑथेंटिक वैसे बनाते हैं। अगले जा रही है जी प्लेट और सबसे पहले आ गए इसमें साग। अंकल जी कितना टाइम लगता है बनाने में? इन्हें लग जाए चार पाँच पाँच घंटे लग जाए। पाँच घंटे बनता रहता वा। हाँ जी। आ गए जी अपने स्पेशल चित्रा राजमा। आ गए। यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ सफाई से काम कर रहे हो जी, बिल्कुल हाइजीन आपने मेंटेन कर रखी है। और ये क्या आ गया सर? ये चटनी मिर्चा अचार। अच्छा मिर्चा का अचार आ गया जी अपना स्पेशल, आप ही करे पाने हो जी? हाँ जी हाँ जी। तो ये भी जी अचार घर पे ही डाला हुआ है, साथ में मक्की की रोटियाँ बनती जा रही हैं, ऑर्डर होते जा रहे हैं, लोग यहाँ पे खा भी रहे हैं और मांग रहे हैं, गाड़ी में भी ऑर्डर चलते जा रहे हैं साथ में साथ। रोटी का की प्राइस रहता? दो फुलके 100 रुपए, साग ते राइस। साग ते मक्की, दो मक्की दी रोटियां। हाँ जी हाँ जी। ते नाल की है जी राइस? नाल राइस। ते उदा की है जी प्राइस 100 रुपीज़। हाँ जी हाँ। वो है जी 100 रुपीज़। ते अंकल नॉर्मल रोटियां भी होंगी अपने को? हाँ जी नॉर्मल भी है। उन्हों का की प्राइस रहता जी? 80 रुपए। वो 80 रुपए दी कि? चार रोटियां होंगी नाल सब्जी कड़ी राजमा, कोई भी ले सकते हैं राजमा जो जड़ी मर्जी ले सकते, कोई भी ले सकते हैं। साथ में जी लस्सी भी होती है? हाँ जी। की चाटी की लस्सी है जी? चाटी की लस्सी। तो की प्राइस रहता सर इनका, रेट की है? 20 रुपये गिलास। 20 रुपये का है जी गिलास। अपनी प्लेट रेडी, मक्की की रोटी। हाँ जी। साग कड़ी पकौड़ा राजमा प्याज ते चटनी। सर ये प्राइस की है जी? ये 100 रुपया। ये 100 रुपये का पूरा कॉम्बो पड़ेगा? हाँ जी हाँ जी। एक मक्की की रोटी आऊगी तो जब सर? दो मक्की की रोटी। दो मक्की की रोटियाँ। हाँ जी। तो जब रोटी दूसरी लेनी हो आटे की? वो भी मिल जूगी। वो भी मिल जाएंगे, वो भी दो आन गए सर? नहीं वो चार आन गए। वो इधर नाल आ जाएंगे जी चार। तो सर इनू खाना से आना कितने पाऊगा? लोधी क्लब रोड जे ब्लॉक नियर पार्क। तो सर टाइमिंग की रहती है जी? 12:30 तो शाम 5 बजे तक। जो छुट्टी होंगी अभी फोन नंबर लिख के वो कर देंगे। अच्छा उदा छुट्टी नहीं होंगी? हाँ जी। किसी दिन कोई काम पै जाए ता ही छुट्टी होगी? हाँ जी डेली होने। हाँ जी हाँ। तो हमारी थाली लगी है जी, इसमें होती है जी अपनी स्पेशल लस्सी वाली कड़ी और ये जी अपने प्याज और बेसन के पकौड़े, साथ में आ गए जी अपनी चित्रा राजमा, रले मिले राजमा बिल्कुल परफेक्ट। इधर आ गया जी सैलेड और ये इनका स्पेशल मिर्ची का चार जो कह रहे हैं जरूर ट्राई करना, नया ही बनाया है। साथ में आ गया जी अपना साग और ऊपर देसी घी इसके जो तैर रहा है, ओए होए होए भाई देख के मज़ा आ रहा है। ये आ गया जी अपने बासमती राइस, साथ में मिलती है जी दो मक्की की रोटी और इस टोटल कॉम्बो का प्राइस है जी 100 रुपीज़। सिर्फ 100 रुपीज़ में आपको पेट भर खाना मिलने वाला और सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। तो लो जी लुधियाने में साग की शुरुआत हो चुकी है भाई, फर्स्ट टाइम लुधियाने में खाने वाले साग और परफेक्ट प्लेस पे है बिल्कुल जट सौदा में, क्योंकि पंजाबी बंदे यार बिल्कुल ऑथेंटिक बनाते हैं। अगर आपको साग कड़ी राजमा खाना है ना जो बढ़िया फ्लेवर हो भाई इन लोगों के पास आओ, बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर होता है इनका। जैसे नाम भी इनका है ना जट सौदा, पूरा पक्का सौदा है ये। तो हम इसको करते हैं ट्राई और भाई देसी घी देखो ऊपर क्या तैर रहा है यार साग के, ओए होए मज़ा ही आ गया। साथ में आ गई जी अपनी मक्की की रोटी और ये है जी इनका स्पेशल मिर्ची का अचार जो कह रहे हैं अगर थोड़ा करारापन चाहिए ना तो इसको खाना मत भूलना। तो चलो चलो जल्दी ट्राई करते हैं। ये जो थाली है इसका प्राइस रहता है ओवरऑल 100 रुपीज़, जिसमें आपको मिलेगा साग कड़ी राजमा सैलेड मिर्ची का अचार चावल और साथ में दो मक्की की रोटी। अगर आप नॉर्मल लेते हो आटे की रोटी तो आपको मिलेगी चार रोटियाँ। चलो भाई जल्दी से ट्राई करते हैं, अब साग की क्रेविंग बढ़ती जा रही है। ये देखो भाई पास से दिखाओ इसको, ओह भाई चेक करो यार क्या बाइट बनती जा रही है अपनी। अब लेते हैं लुधियाना में साग की शुरुआत फर्स्ट बाइट।
वही अल्टीमेट लेवल की चीज़ है। कुछ चीज़ें ना धक्के ना थोड़ी तारीफ करनी पड़ती है, पर भाई ये जो साग है ना वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। रेल से तारीफ अपने आप ही निकल रही है भाई, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बहुत टेस्टी है। इसको आपने बस ट्राई करना है और गारंटी देता हूँ पैक करा के घर भी लेके जाओ। और भाई इनकी साग तो मस्त है, ट्राई करना, साथ में कड़ी तो बिल्कुल मत भूल जाना भाई। ये है इनकी स्पेशल लस्सी वाली कड़ी, जो कि लस्सी भी इनकी घर की होती है, चाटी की लस्सी। साथ में आगे जी इनका ये बेसन का प्याज वाला पोड़ा, तो इसको भी देते हैं टेस्ट और देखते हैं इसका टेस्ट है कैसा। तो इसको पेयर करते हैं जी अपने चावल के साथ। क्या बात है, चेक करो। मिर्ची का अचार तो हम ट्राई करने भूल गए भाई, तो इसको लेते हैं भाई मक्की की रोटी पे बनाते हैं बाइट। तो बनाते हैं यार अचार की बढ़िया सी बाइट। सबसे पहले लेते हैं भाई साग भर के, ओए और इस पे डालते हैं जी इनका स्पेशल मिर्ची का अचार। ये आ गया जी अचार, देखो देखने में क्या बढ़िया लग रहा है। अब लेते हैं इसके करारेपन का पंच। तो भाई ये तो अपर कट निकला, बहुत ही बढ़िया अचार है यार, मतलब ये तो मस्ट ट्राई है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही ऑथेंटिक खाने लेके, तब तक के लिए रब रखा, चाओ।